हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, आज हम लोग अपने पिछले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपके करियर के बारे में कि कॉमर्स के अंदर में मेनली तीन डिग्री होते हैं। मेनली कहा था, ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, CA, CMA और CS। मैंने तीनों के प्रोस कॉन्स को आपको बताया था, कितने टाइम पीरियड लगेंगे, ओवरऑल हमें क्या पढ़ना होगा, कौन सा डिग्री कब हमारे लिए समय ठीक होता है, कितने टाइम पीरियड लगते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ मेरे बच्चे। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बहुत ज़्यादा जोर दे के बोला था कि चाहे आप CA, चाहे CMA, चाहे CS कुछ भी डिग्री ऑप्ट करें, BCom को कम्प्लीटली आपको ऑप्ट करना ही करना है। कोई भी बच्चा जो सोच रहा है कि यार मैं सिर्फ CA करूंगा या फिर CMA करूंगा या CS करूंगा लेकिन BCom नहीं करूंगा, ये बहुत ही अपने लाइफ के लिए खराब काम करेंगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज पढ़ना है। मैंने आपको बताया था, लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, इसलिए BCom आपको ऑप्ट करना ही करना है आपके बड़े डिग्री यानी कि CA, CMA, CS किसी भी एक डिग्री के साथ। बच्चे, आज मैं CA के अंदर में जो हमारा पहला लेवल होता है फाउंडेशन, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अगले सीरीज में हम उसके इंटर के बारे में, फाइनल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसी तरीके से हम CMA का फाउंडेशन, इंटर, फाइनल का डिस्कशन करेंगे और फिर आपका CS के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अल्टीमेट मोटिव है कि पूरी जानकारी को प्राप्त करने के बाद ही आप किसी कोर्स को ऑप्ट करें और फिर अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने लाइफ को भी आगे बढ़ाएं, प्लस आपके जो सपने हैं उसको भी आप पूरा करें। मेरे बच्चे, इसी प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, हमारे पास CA एज ए करियर के अंदर में ये चीजें जो मुझे आपके साथ डिस्कशन करना है, मैंने लिख लिया ताकि मैं कल को भूल ना जाऊं, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा बुढ़ा होते जा रहा हूं और भूलने की बीमारी आ रही है मेरे बच्चे, इसलिए मैं भूल ना जाऊं, आपका कोई पॉइंट छूट ना जाए, कहीं कुछ और देखने की रिक्वायरमेंट आ ना जाए, इसलिए मैंने क्या किया, सारी बातें नोट डाउन किया है। हाँ, मैं अब शुरू करता हूं। मैं CA के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। मेरे बच्चे, CA के अंदर में आपके पास तीन लेवल होते हैं। पहला लेवल हमारा कौन सा होता है जी? फाउंडेशन का। फर्स्ट लेवल आपका फाउंडेशन है। सेकंड लेवल मेरे बच्चे इंटर का आता है, इंटर। और तीसरा लेवल आपका आता है फाइनल का। मैं आपको ये भी बता दूं, आज के सेशन में हम पूरा का पूरा फोकस फाउंडेशन पे करेंगे, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में अगले वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है मेरे बच्चे, फाउंडेशन के बाद इंटर में दो ग्रुप हमारे पास होते हैं, ग्रुप वन और फिर आपका ग्रुप टू। इन दोनों ही ग्रुप को आपको पास करना होगा और इसको पास करने के बाद फिर आप फाइनल में जाएंगे। उसी तरीके से फाइनल में भी आपके दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन, ग्रुप टू, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप CA यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपका 5 to 5.5 years का टाइम पीरियड लगता है मेरे बच्चे, कम से कम, अगर हम बहुत अच्छी तरीके से काम करें तो। लेकिन 5-5.5 साल का समय भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं ये मानता हूँ कि अभी जो आपकी एज है, मान लो लगभग 18 साल के करीब है, 18 साल में अगर मैं 5 साल 5.5 साल को जोड़ दूं तो मेरे बच्चे 23-24 साल के एज में आप CA क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता, ये बहुत यंग एज होता है। और इस टाइम पे क्वालिफाई करने वाले लोग जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्री इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको देती है, क्योंकि ये 23-24 साल के एज में जो आपके खून में, मतलब वो गर्मी होती है ना बच्चे, जिस गर्मी को कंपनी चाहती है कि मेरे पास आए, वो जोश जो आप कुछ कर दिखाना चाहते हो, आपको खुद भी आगे बढ़ने का, कंपनी को बढ़ाने का जो जोश और सपना होता है, वो कंपनी आपको अपने पास रखना चाहती है। इसलिए ये एज जहाँ पे आप सिलेक्शन सोच रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि या तो आप 12th क्लास के अभी अपियरिंग है, यानी कि 12th क्लास में अभी आपने अपियर किया है, या फिर आप 12th क्लास का एग्जाम आप दे चुके हैं बट रिजल्ट अवेटेड आपका है, या फिर 12th क्लास का एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं CA ऑप्ट करूं कि ना करूं। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, मतलब 12th क्लास में आप आ चुके हैं बट एग्जाम अभी नहीं दिए, चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, अगर 12th क्लास में आप आ चुके हैं या फिर 12th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं बट रिजल्ट अभी अवेटेड है, या फिर आप 12th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और फिर आप चाहते हो कि मैं CA में एडमिशन लूं कि ना लूं, आप ले सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अगर आप 12th क्लास में आ चुके हैं किसी भी स्ट्रीम से हो, या फिर 12th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है, या फिर 12th क्लास का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, या फिर आप BCom कर रहे हैं कुछ भी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहां पे आप CA के फाउंडेशन लेवल में आप एडमिशन ले सकते हैं।
अब ये एडमिशन लेने का हमारे पास डेट क्या है, कब एडमिशन लूँ तो कब मेरा एग्जाम पड़ेगा? मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं कि सीए का एग्जाम जो होता है वो साल में दो बार होता है, एक आपका इंटर एक आपका मई में होता है, दूसरा आपका नवंबर में। रिपीट कर रहा हूं, सीए का चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, चाहे फाइनल हो, एग्जाम का जो महीना है मेरे बच्चे, महीने की बात कर रहा हूं, मंथ आपका, वो आपका मई और नवंबर का होता है। तो मैं अगर आज फोकस करूं सिर्फ फाउंडेशन के ऊपर में, मैं इनके बारे में आज बात ना करूं, तो फाउंडेशन में अगर आप मान लो कि आप एडमिशन कराना चाहते हो, ये देखो आपका ये लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, यानी कि अगर आप मे अटेम्प्ट के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, मे अटेम्प्ट के लिए, तो आपको 31 दिसंबर तक आपको एडमिशन ले लेना है। सर मतलब, यानी कि अगर मान लो आपका एग्जाम, आप एग्जाम देना चाहते हो मे 2019 में, तो मेरे बच्चे आपका जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपका होगा 31 दिसंबर 2018। अगर यहां तक आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इस डेट या इसके पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो आप मई 2019 में आप अपना एग्जाम को दे सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन सर कहां कराएंगे? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मेरे बच्चे आप इनके साइट पे जाके ऑनलाइन भी एडमिशन करा सकते हैं, या फिर अगर मान लो आपके जहाँ भी आप रहते हो उसके बगल में जो इनका ऑफिस होगा, जो वहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट का आपका ब्रांच होगा, वहाँ पे भी जाके आप एडमिशन करा सकते हैं। तो मैं बता रहा था यहाँ पे आपका कि अगर आपको मई 2019 में एग्जाम देना है तो 31 दिसंबर 2018। हमने कहा था एग्जाम दो बार होता है, या तो मई में या फिर आपका नवंबर में, यानी कि अगर इस डेट तक आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उस केस में मई 2019 का आप एग्जाम नहीं दे सकते। फिर क्या होगा, नवंबर 2019 का आपको एग्जाम देना होगा, और नवंबर के लिए किसी भी ईयर में जो नवंबर में एग्जाम होगा मेरे बच्चे, उसके लिए आपका लास्ट डेट यहाँ पे 30 जून है, यानी कि 30 जून 2019 तक इस दिन या इसके पहले अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो उस केस में यहाँ पे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, या तो यहाँ का या इसके बाद का। रिपीट कर रहा हूं, अगर 31 दिसंबर 2018 तक आप एडमिशन ले चुके हैं तो उस केस में या तो मे का या इसके बाद का एग्जाम आप दे सकते हैं, और 30 जून 2019 तक का अगर आपने यहां पे एडमिशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो नवंबर 2019 या उसके बाद का आप एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा यहां पे कंडीशन है, ऐसा प्रोसीजर है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं सर? हाँ सर, आगे बताओ ना। तो मेरे बच्चे ये लास्ट डेट ऑफ मैंने रजिस्ट्रेशन बताया कब करा सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। सर पैसे कितने लगेंगे अगर हम फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं, तो सर फीस कितना लगेगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फीस आपका देखो 9400 का आपका फीस है नॉर्मल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी मैं कुछ आप उनके साइट पे जाकर डिटेल देख सकते हैं। मैं एक लमसम बता रहा हूँ कि फीस जो रजिस्ट्रेशन का होगा वो 9000 लगेगा। अगर प्रोस्पेक्टस जो अगर आप उनका लेते हैं तो 200 रुपये आपका होगा। जनरल यानी कि ये हमेशा एक मैगजीन इशू करते हैं बच्चों के लिए, अगर वो भी लेना चाहते हैं तो 200 रुपये आपका लगेगा। ये कुछ ऑप्शनल भी है, अगर आपका ऑप्शनल होगा तो ये ना ले अगर तो इतना पड़ेगा, मतलब मोर और लेस आपका 9400। ये फीस किसको पे करना होगा जी? तो नो डाउट कि ICAI को, यानी कि जिसके साथ हम रजिस्टर्ड करा रहे हैं, जो हमें डिग्री देगा, यानी कि हमारा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट बॉडी है बच्चे, गवर्नमेंट बॉडी है, और ये ही हमें डिग्री देती है, इनके सिवाय कोई नहीं देता। तो यही इंस्टीट्यूट के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपका यहाँ पे फीस जो पे किया जाएगा, ठीक है ना सर? ये हमारा जो फाउंडेशन लेवल होता है, इसमें कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं मेरे बच्चे, 4 पेपर होते हैं फाउंडेशन के अंदर में। जो पहले दो हैं वो है सब्जेक्टिव, रिपीट कर रहा हूं, 4 पेपर होते हैं, 4 में से पेपर 1 और पेपर 2 जो है इनका एग्जाम सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव होने का मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 10 नंबर के, 16 नंबर के, 8 नंबर के, ऐसे होंगे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप अभी 11-12 क्लास में आपने जैसे पढ़ा होगा। लेकिन 1-2 के बाद जो 3rd और 4th है, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको, जिसमें नहीं मतलब जो सही होगा आपको वहां पे टिक मार्क करना होगा।
यानी कि जिसमें मन किया उस मन से मार्क्स थोड़े मिलेगा, जो सही होगा उसमें टिक मार्क करना होगा। मेरे बच्चे मैंने बताया आपको अगली बार कि सब्जेक्ट्स यहाँ पे चार है, 1, 2, 3, 4, ध्यान सुनना। पहला है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअली अकाउंटेंसी है। जो 11th क्लास 12th क्लास में आपने अकाउंटेंसी पढ़ा हुआ है उसका 60 भी ज्यादा नहीं, 50-60% जो होगा मेरे बच्चे सेम है यहाँ पे, थोड़ा सा लेवल उनका हाई किया जाएगा। जैसे BRS आपका है वो यहाँ पढ़ना थोड़ा सा अच्छे लेवल में, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा उसमें भी थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, डेप्रिसिएशन पढ़ा था आपने उसको भी थोड़ा सा हाई लेवल होगा, 12th क्लास में आपने इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, इश्यू ऑफ डिवेंचर पढ़ा था उनका थोड़ा सा हाई लेवल होगा। उसी तरीके से कुछ नए चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, आपका ज्वाइंट वेंचर है, कंसाइनमेंट है, आपके एवरेज ड्यूडेट है, अकाउंट करंट है, बहुत मस्त मस्त चैप्टर यहाँ पढ़ने होंगे, मतलब मजा आएगा जहाँ पे हम अकाउंटेंसी के अगले लेवल को देखेंगे। तो मेरे बच्चे पहला जो पेपर आपका है वो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ध्यान रखना फर्स्ट पेपर है, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं, MCQ नहीं होगा, सब्जेक्टिव। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस लॉ आपका पहला और आपका बिजनेस कोरेस्पोंडेंस इसका सेकेंड पार्ट। मेरे बच्चे बिजनेस लॉ के अंदर में पूरा लीगल एस्पेक्ट सिखाया जाएगा। ये पेपर आपका इंटर में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा, दूसरे नाम, मतलब लॉ आपको पढ़ना शुरू कर देना है। लॉ के बारे में अभी तक आपने 11th 12th क्लास में स्टडी नहीं किया, लेकिन जो लीगल कंप्लायंस होते हैं, जो कंपनीज को फर्म को सबको फॉलो करना होता है, वो यहां से सिखाना आपको शुरू कर दिया जाएगा, मजा आएगा सीखने में। बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस में कोरेस्पोंडेंस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। अगर मान लो कि मुझे अपने डायरेक्टर से कुछ बात करना है, कोई डायरेक्टर रिपोर्ट तैयार करना है, मुझे अपने कलीग से बात करना है, मुझे किसी क्लाइंट से बात करना है, तो वो आपका कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वहाँ पे लेटर कैसे लिखे जाएंगे, मेल कैसे लिखे जाएंगे, वो सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। अल्टीमेटली एक अच्छा CA बनाने की तैयारी आपको फाउंडेशन से शुरू कर दी गई है। CA बनने के बाद जो जो काम हमें टॉप लेवल पे करना होगा, हमें क्लाइंट से मीटिंग करना होगा, क्लाइंट से कोरेस्पोंडेंस करना होगा, अपने टीम मेंबर से बात करना होगा, हमें रिपोर्ट्स तैयार करने होंगे, वो सारे काम कैसे किए जाएंगे, उनकी शुरुआत मेरे बच्चे आपको यहाँ से कराने शुरू कर दी जाएगी। तो सेकेंड में हमने क्या किया, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। ध्यान रहे ये जो दो पेपर आपको मैंने बताया, ये दोनों ही पेपर क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस आपके आएंगे छोटे छोटे बड़े बड़े सभी आएंगे आपका, वहां पर आपको काम करना होगा। लेकिन थर्ड में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका, यहाँ पे एक जो बच्चे जनरली 11th क्लास 12th क्लास में जिनके पास मैथ्स नहीं होता वो थोड़ा डरते हैं कि यार मैं मैथ्स कैसे पढ़ूंगा, मैथ्स तो मुझे आता ही नहीं है, मैं CA कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो इतना टफ नहीं है कि आपको 11th 12th क्लास की महारत ही लेनी है, ना। CA इंस्टीट्यूट को भी पता है कि मैथ्स का बस बच्चों को बेसिक पता होना चाहिए, और यहाँ पे जो चैप्टर्स भी आपके डाले गए हैं वो इतने सिंपल हैं कि अगर आप थोड़ी स्ट्रेटेजिकली तैयारी करो तो बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बताऊं, आप जरा ध्यान से पढ़ो। तो मेरे बच्चे यहाँ दो पार्ट है, Part-1 में मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, ये आपका 60 मार्क्स का यहाँ पे है, 60 मार्क्स का, और जो स्टैटिस्टिक्स आपका है वो 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। ध्यान रहे स्टैटिस्टिक्स जो आप शायद पढ़ चुके हैं 11th 12th क्लास में, वो मीन मीडियन मोड आपका जो नहीं निकलता था, डिस्पर्शन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, मेरे बच्चे वो चीज आपका यहाँ पे है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग जो है ना बहुत सिंपल है, ये कोई भी समझ सकता है, कोई भी। मैथमेटिक्स के अंदर में भी यहाँ पे बहुत टफ चैप्टर ने डाले हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चों को हमें मैथमेटिशियन नहीं बनाना, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। तो ये जो चीजें हमें आगे यूज हो सकती है उसका सिंपल कैलकुलेशन आपका यहाँ पे डाला गया है, थोड़ा सा मेहनत कर ले तो ये बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। जिन बच्चों के पास 11th 12th क्लास में मैथमेटिक्स है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है मेरे बच्चे उनको भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ थोड़ी हमें प्लानिंग करना होगा, क्योंकि इस जगह पे आने के बाद स्टैट्स जो 40 मार्क्स का है ये तो बड़े आराम से आप कर जाओगे। और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो है बच्चे ये भी बहुत सिंपल होता है, जो यहाँ पे मैथ्स आपका है, मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि जो पहले सिंपल जो आपके चैप्टर्स उनको फिनिश कर लो, सिंपल। जो टफ चैप्टर है उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करने से CA नहीं बनते, हमें प्लानिंग के साथ जब हम आपका काम करते तब हम CA जाके क्वालिफाई करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये आपका यहाँ पे हम बहुत
प्रॉपर तरीके से प्लान करके हम यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। फोर्थ में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, आपका इसमें इकोनॉमिक्स जो 11-12 क्लास में पढ़े हैं उनका मैक्सिमम पार्ट मेरे बच्चे, थोड़ा सा अपग्रेडेशन होगा। एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, यहाँ पे जो आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ है कि ट्रेड कैसे करते हैं आपने 11-12 क्लास में, वो आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टरिंग क्या होता है उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कशन है, थोड़ा सा और पॉलिश करते हुए। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि ये चार पेपर स्टडी कर रहे हैं, दो ऊपर वाले जो है वो सब्जेक्टिव है, नीचे के दो जो दो है मेरे बच्चे ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां पे होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। एक बात और बता दूं, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्टिव आपका है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए रहेंगे और सही में टिक मार्क करना होगा मेरे बच्चे। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये बात बहुत ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का मतलब सर अगर आपने इनमें से एक क्वेश्चन को आपने सही किया तो एक नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर सेकेंड क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तो मेरे बच्चे 0.25 मार्क्स यहां पे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो एक गलत करते हो तो आपका यहां पे मार्क्स कितना रह गया, 0.75। इस तरीके की मार्किंग होती है, इसलिए मैंने कहा था कि यहां पे जब एमसीक्यू क्वेश्चन की बात आएगी तो जो दिल करे उस पर टिक मार्क नहीं करना, जो सही होगा उसमें टिक मार्क करना है। यानी कि हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है और पूरे विश्वास के साथ अगर मुझे पता है कि हाँ यार ये ठीक है तभी वहां पर टिक मार्क करना है, अदरवाइज हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लेकर आएगा। तो फिर बच्चे आपको, हाँ ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जितने सही करेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे, जितने कम उतने कम, यहाँ पे नेगेटिव है। और हाँ ये हमेशा सब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, हमेशा वहाँ पे मेरे बच्चे आपका क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है, जितने स्टेप्स आपके सही उसके हिसाब से मार्क्स मिलता है, जितने स्टेप गलत उतने कम आपके मार्क्स मिलेंगे। यानी कि ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने पूरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है और आपने क्या कि छोटी सी गलती कर दी तो पूरे मार्क्स जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता, किसी लेवल में नहीं होता, किसी एग्जाम में नहीं होता, यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। और सुनो, सी इंस्टीट्यूट आपको क्या बोलता है, वो कहता है कि देखो जी मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि आपके पास यहां पे चार पेपर हैं। पेपर कितने हैं जी, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। सीएन शूट कहता है कि देखो जी हम आपको फाउंडेशन में पास कर देंगे, फाउंडेशन में आप पास हो जाओगे अगर आपके चारों ही पेपर में आपके 40-40 अगर आ गए तो। सुनना मेरी बात ध्यान से, यानी कि आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर मेरे 40 आ गए मेरे बच्चे तो मैं इस पेपर में पास हो गया, 100 में से अगर फिर से 40 आ गए तो मैं यहां भी पास हो गया, 100 में 40 आ गए तो मैं यहां भी पास हो गया एंड 100 में 40 आ गए तो यहां पास हो गया। यानी कि इंडिविजुअली चारों ही पेपर में सिर्फ आपको 40-40 लेके आना है। अब जरा सोचो, मान लो मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं भी है और मैं तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैं आपके 8-9 महीने स्टडी करके स्टैट्स जो हम लोग पढ़े हुए हैं, लॉजिकल रीजनिंग कोई भी बच्चा दिमाग से काम कर सकता है, मैथ्स जिसमें बहुत सिंपल सिंपल बातें भी होती है थोड़ी टफ भी होती है, तो सिंपल सिंपल बातें करके क्या मैं 100 में 40 नहीं ले सकता, फिर क्या फायदा इस दुनिया में जीने का, फिर मैं क्यों सीए बनने का सपना देखूं अगर मैं 100 में 40 नंबर भी नहीं ला सकता। क्योंकि मेरे बच्चे अगर फाउंडेशन में आपके लिए नया पेपर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नॉन मैथ्स वाले हैं, तो सारे बच्चे जो मैथ्स वाले हो चाहे नॉन मैथ्स वाले हो, आगे तो और भी नए नए पेपर आएंगे जिनको कभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है, टैक्स है, कॉस्टिंग है, मैंने कहा था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, ऑडिट होगा, बहुत सारी बातें होंगी, वहां तो सब नया होगा, सब में आपको 40-40 लाख के पास करना होगा आउट ऑफ 100 आपका। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कभी नेगेटिव मत हो जाओ कि मैथ्स है या फिर मैथ्स नहीं है, मैथ्स है या मैथ्स नहीं है तो मेरा सीए कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप हर एक बच्चा कर सकता है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आपको बढ़ना होगा। एक बात और कह दूं, मैं कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 12th क्लास में मेरा इतना कम मार्क्स आया, मैं बस पास हो गया, मेरे पास 60% आया, मेरा 50% आया, क्या मैं सीए कर सकता हूं। मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपने तय कर लिया कि यार मुझे इस डिग्री की तरफ भागना है, उस दिन से ही मैं कहता हूं, उस दिन से ही पीछे में आपके कितने मार्क्स आए हैं कितने हैं वो सब खत्म हो जाते हैं।
आप देख रहे होगे कि फाउंडेशन जो बनाया गया है वो एक बार फिर से आपका 11 12 क्लास को ही आपको ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब अगर आपने यहां से भी तैयारी करना शुरू कर दिया कि ठीक है जी, जो 11 12 क्लास में हमने किया, जो मार्क्स कम आ गए, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक से काम करूंगा, आप आगे बढ़ सकते हो और निकलेगा मेरे बच्चे। बस एक जो होता ना ललक किसी चीज को पाने का, कि यार मुझे इसको पाना है, इस डिग्री को अपने नाम के साथ जोड़ना है, अगर ये ललक आपके अंदर आ जाए ना, तब तो कोई टेंशन नहीं है। चाहे वो CA की डिग्री हो, चाहे CMA की, चाहे CS को। आज मैं एक्चुअली सिर्फ CA के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए CMA और CS को मैं टच नहीं कर रहा। मैं CA फाउंडेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे, अगर आपका 12th 11th क्लास में बेस खराब है, जीरो है, आप साइंस से आर्ट से हो और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी मन करता है कि नहीं जी मुझे इस डिग्री को पाना है, मुझे मजा आएगा इस डिग्री करने में, लाइफ के पैटर्न को चेंज करना है, बहुत कुछ काम करना है, आप ऑप्ट कर सकते हो। बस यहाँ से पढ़ना शुरू करना, और पढ़ने का मतलब भी 20 घंटे 25 घंटे नहीं होता मेरे बच्चे। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, दोबारा कहता हूं कि जो बच्चा 3 से 4 घंटे के सेल्फ स्टडी कर लेता है, सेल्फ स्टडी मतलब जो आपकी कोचिंग चलेंगे, ट्यूशन चलेंगे, उसको छोड़ के घर में 3 से 4 घंटे जो बच्चा प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर लेता है, मेरे बच्चे डिग्री कहीं रुकती नहीं है। परेशानी जो हमारी है वो सिर्फ इतना है कि हम लोग चीजों को रटना शुरू करते हैं, और रटते रटते फिर क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट खराब हो जाते हैं। क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब होता है चीजों को समझते हुए, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए फिर मैं आगे उस सब्जेक्ट को बढ़ाऊं। कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं जो आपको रोक सकता है अपनी डिग्री को, अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि यहां पे हमारे पास लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फीस कितने लगते हैं, सब्जेक्ट्स 4 हैं, ऊपर के 2 यानी कि आपका ये सब्जेक्टिव होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, बट यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपका होता है। फिर मैंने कहा कि अगर आपको पास होने के लिए 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 40 मार्क्स। अगर 100 में 40 40 40 40 आ गए, आप चारों सब्जेक्ट्स में पास कर गए, लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन ध्यान रखना, ये चारों का मिलाकर ये कितना बन रहा, 40 40 40 40 160। यहां पे 160 नहीं, 200 मार्क्स आपके होने चाहिए आउट ऑफ 400, यानी कि जो 400 का पेपर होगा उसमें एग्रीगेट आपका 200 यानी कि 50% का मार्क्स चाहिए। इन शॉर्ट, अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 40 आ गया या उससे ज्यादा, उस सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन चारों का मार्क्स मिला के 40 नहीं, मतलब 160 नहीं, 200 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मान लो अकाउंट्स में सपोज दैट आपके 90 आ गए, सर आते हैं, आप देखो तो अगर 90 आ गए, यहां पे 40 आ गया, मान लो, मैं कह रहा हूं, मान लो 40 आ गया, यहां 40 आ गया, 40 आ गया, और मान लो यहां पे बस हो तो गया, कितना, 4 पेपर, कितना हो गया जी, ये आपका 120 और प्लस 90, 210 हो गया मेरे बच्चे। यानी कि इंडिविजुअली भी देखो तो आप चारों में पास हो, और चारों को मिला के 200 या उससे ज्यादा हो गया, तो चार आपका मतलब फाउंडेशन निकल गया। अगर भगवान ना करे कि अगर आप यहां पे 90, यहां पे 90, यहां पे 99 और यहां पे 39 आ गया, 39 मेरे बच्चे, तो उस केस में फिर आप यहां पे फेल माने जाओगे, क्योंकि आपने यहां पे क्या किया जी, 40 को रिसीव नहीं किया। मतलब इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में 40 होना और एग्रीगेट 50% होना, ये क्राइटेरिया है इसको पास करने के लिए। सेम क्राइटेरिया आपका इंटर में भी है, सेम आपका फाइनल में भी है, मैं वहां पर डिस्कशन करूंगा। फिलहाल अभी हम क्योंकि फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम आपका चलता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया यहां पे कि अगर आपको क्या करना है, कि अगर पास करना है तो इंडिविजुअली 40 और एग्रीगेट आपका 200 यानी कि 50% होना चाहिए। यानी कि आपका पासिंग परसेंटेज कितना होगा जी, तो आपको बता दिया एग्रीगेट, ये मार्किंग पैटर्न बता दिया, यहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, बट जब भी बात MCQ के आएगी तो वहां पे मार्किंग आपका होगा। क्या मैं 12th क्लास में अगर मैं अपीयर करता हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं, क्या मैं आपका CA फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकता हूं, क्या ले सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना बच्चे। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें समझना होता है, और तो कोई बात ऐसी बची नहीं जो हमें समझाना होगा फाउंडेशन के लिए। एडमिशन आपको ICI.org पे जाना होगा, ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए ICI.org इनका जो ऑफिशियल साइट है मेरे बच्चे। और अगर आप ऑफलाइन यानी कि आप फिजिकली जाना चाहते हैं, तो इनके किसी भी ब्रांच में, इनके ऑफिस में जाके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई करना, आपको ध्यान रखना हो कि बस आपको यहाँ पे जो फाउंडेशन लेवल से आप बढ़ रहे हैं, बहुत इन डेप्थ स्टडी करना है,
चीजों को समझते हुए काम करना, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत दूर तक लेके जाएंगी और ये सब्जेक्ट्स जो है ये भी बहुत दूर तक जाएंगे। एक बात और, फाउंडेशन में जो आपने स्टडी किया, मान लो मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ क्योंकि अकाउंट्स में ज्यादा जानता हूँ, इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे बच्चे, अगर अकाउंट्स की बात करते हैं तो जो फाउंडेशन में स्टडी किया, बच्चा सोचता है कि यार ये इंटर में थोड़े यूज होगा, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। फाउंडेशन में जो भी आपने स्टडी किया वो इंटर में भी यूज होगा किसी न किसी चैप्टर के अंदर में। और वही बच्चे खराब हो जाते हैं, उन्हीं का कॉन्सेप्ट इंटर में खराब होता है जिनका फाउंडेशन आपका स्ट्रांग नहीं है। फाउंडेशन नाम ही कहता, फाउंडेशन बेस आपका। तो यहाँ पे अपने बेस को स्ट्रोक करो, यहाँ पे एंजॉय करो, पढ़ाई को मजा लो और इसको आगे इंटर में अप्लाई कीजिए। फिर अकाउंट्स तो मस्त है, इकोनॉमिक्स मस्त है, लॉ मस्त है, मैथ सब मस्त है और मस्ती मस्त आपका है मेरे बच्चे। इस तरीके से बात निकल के आती है। चलिए आज के सेशन में हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अगले सीरीज में हम लोग इसका जो इंटर पार्ट होगा, फाइनल पार्ट होगा, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर हम आपके CMA और फिर CS के बारे में भी देखेंगे। तब तक मेरे बच्चे आप बहुत तरीके से सोचकर आप डिसीजन लीजिए क्या आपको करना है, और एक बार डिसीजन लेने के बाद फिर पीछे मत देखना, फिर लोगों से मत पूछना कि फिर किसी से ये नहीं कि यार कितना टफ है कितना नहीं, मत पूछना, क्योंकि टफ कुछ भी नहीं होता। टफ वहीं पे शब्द आते हैं जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते। जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जुनून हमारे अंदर में है, हमारे पढ़ने का पूरा तरीका हमें पता है, तो फिर कोई भी चीज टफ नहीं होता, सच बोल रहा हूं। और किसी से आप पूछोगे ना कि यार ये मैं करूं कि ना करूं, कैसा है क्या, आजकल तो फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पे अगर आप जाओ CA फाउंडेशन करूं कि ना करूं, 90% बोलेंगे कि नहीं करूं, बहुत टफ है। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जितने सक्सेसफुल लोग हैं आप उनसे पूछना क्या सच्ची में टफ है, वो बोलेंगे नहीं, टफ नहीं है। और हाँ एक चीज और बता दूं, अगर ये सचमुच में टफ ना होता, मैं इसको दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर अगर ये बहुत सिंपल होता तो फिर इस डिग्री को पाने के जो ललक है ना बच्चे, वो तो फिर ललक ही खत्म हो जाती। क्योंकि मनुष्य का एक बहुत अच्छा नेचर है कि जो चीज उसको टफ लगती है उसके तरफ और वो भागता है, क्योंकि जब वो पाएगा तो फिर भीड़ से हटके कहीं जाके खड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप भीड़ से हटकर खड़ा होना चाहते हो, आप अपने एक अलग से आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, और इसलिए जो टफ है, जो दुनिया नहीं कर पाती, उसको आप करने का एक ख्वाहिश रखोगे और आगे बढ़ोगे। मैं जानता हूं मेरे बच्चे इस बात को। बाकी इसका जो डिस्कशन होगा हम बाद में करेंगे अगले लेवल में आपका। आप अपने सपने को आगे बढ़ाइए प्रॉपर तरीके से प्लान करके, और फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं मेरे बच्चे इंटर फाइनल का डिस्कशन करने के लिए। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।